सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम जो कार रिव्यू करने जा रहे हैं, महिंद्रा की थार, आपने अभी थोड़े टाइम पहले इसके देखा होगा एक बहुत ही शॉर्ट सा रिव्यू। तो आज हम इस कार को फुली रिव्यू करेंगे इस कार का, और ये सबसे जो फेवरेट पूरे इंडिया की कार है, और इसमें जो बुकिंग है अप्रॉक्स 12 मंथ्स की है, और आज हम इसी कार को रिव्यू करेंगे। अगर आपको इस कार की सभी डिटेल्स चाहिए तो बने रहें इस वीडियो में। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें इसके फ्रंट लुक से, तो आपको थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगेगा जो आपकी रेंगलर आ जाती है उससे। और यहाँ पे आपको इम्पोज मिल जाएगा थार, और यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग। और भाई मैं पहले बता देता हूँ, ये जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो रखी है, क्योंकि आप मौसम देख लो, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश आई थी अभी बहुत भयंकर वाली, इसलिए गाड़ी हो रखी है पूरी गंदी, तो माइंड मत करना इस चीज़ को। तो अगर मैं सबसे पहले आपको की दिखा देता हूँ इसकी, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉक, अनलॉक, और यहाँ पे आपको जो सायरन वाला ऑप्शन है उसके लिए। तो मैं अगर कार को अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपके DRLs हैं ये भी ऑन हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लगती है। और मतलब DRLs ऑन हो गए, और यहाँ पे आपको सिंपल जो हैलोजन वाले लैंप्स हैं वो आपको मिलेंगे, आप इसके लिए आफ्टर मार्केट जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही एक ना स्पोर्टी सी लुक मिल जाएगी फ्रंट से, जो कि इस कार को बहुत ही मतलब स्पोर्टी सी, मतलब जो ग्रिल्स वगैरह है ना, ये बहुत ही स्पोर्टी मिलेंगी, जिससे कि जो लुक्स है बहुत ज़्यादा ही मस्त बन जाती है। साइड में आपको 18 इंचेस के यहाँ पे टायर मिलेंगे MRF के, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप ये देख लो, पूरी गाड़ी है जो साइड से बहुत ही बढ़िया लग रही है। टॉप एंड मॉडल है, मैनुअल में हार्ड टॉप, ठीक है। और यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी। और अगर हम साइड में बात करें, तो यहाँ पे आपको 2 डोर विंडोज़ जो है उसका आपको मिल जाएगा ऑप्शन, 4x4 की आपको यहाँ पे बैजिंग। अगर हम बात करें बैक में, हम आ गए बैक में, तो यहाँ पे आपको स्टिपनी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जो इसकी स्टिपनी की जो लुक्स आ जाती है ना बैक से, मतलब जहाँ पे अगर ये स्टिपनी प्लेस्ड है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया इसकी लुक आ जाती है। और यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और यहाँ पे अभी ऑटो फोन में जस्ट नाउ यहाँ पे जो OEM वाला आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है, अभी जस्ट ही हुआ है इस कार में। और यहाँ पे मैं आपको बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ जो इसकी है। हम इसको बूट स्पेस नहीं बोलेंगे, बस आपको थोड़ा सा एक जगह से मिल जाएगी, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत लगेज रखने के लिए। और गाइस यहाँ पे अपनी जो कार है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आपको महिंद्रा का जो वो है पूरा मिल जाएगा लोगो आता हुआ। और यहाँ पे भी आप ये देखो यार, ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो आपकी MID है बहुत ही बढ़िया, आपको MID मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का आप ऑप्शन मिलेगा RPM का, और यहाँ पे आपको सारे इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और ये देख लो, जैसे मैं कर देता हूँ, हाँ आपको लिसनिंग वाला भी ऑप्शन मिलेगा, क्रूज कंट्रोल इसमें आपको ऑफर किया जाता है, और साथ ही साथ आपको ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको 8 इंचेस की बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह का सबका सपोर्ट मिल जाता है, और जो कि बहुत ही बढ़िया। और इस कार में जो पर्टिकुलर ये कार है, इसमें साउंड क्वालिटी है, मतलब जो स्पीकर्स हैं वो भी अपग्रेडेड हैं ऑटोफोम से। और यहाँ पे आपको एयरबैग्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बैजिंग भी दिख रही होगी एयरबैग की, और यहाँ पे भी, ठीक है। और भाई बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है, अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो भी बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर में जो आपका AC वेंट्स के साथ में जो है वो सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको आपका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है वो मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और जितने भी यहाँ पे आपके हिल असिस्ट वगैरह वाले जो भी फीचर है वो यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे आपको हिल असिस्ट का सॉरी यहाँ पे मिलेगा फंक्शन है जो, ठीक है। और ये देखो, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे जैसे अब आप देख लो न्यूट्रल है, तो मैं इसको रिवर्स में कर देता हूँ, तो R पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपका कंपनी का जेन्युइन जो आता है वही ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल हुआ मिलेगा, जो आपका मतलब बैक कैमरा है। वैसे आपको स्टॉक में मतलब अगर आप न्यू कार लेते हो उसमें तो नहीं मिलेगा, आपको आफ्टर मार्केट के लिए ही जाना पड़ता है। और गाइस यहाँ पे वैसे कार देखा जाए तो, वैसे मैं अपनी बात कर रहे थे कि इसको जो
मतलब 3 पर्सन्स के लिए कार बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक तो मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी बैठा है, और अगर हम बैक में चलें तो यहाँ पे एक जो बंदा है वो आराम से बैठ जाएगा, वरना अगर वो तो अगर आप ज़्यादा जने आएंगे तो यहाँ पे आपको जो लगेज है वो नहीं आएगा। इस कार में जो सीट कवर्स हैं वो भी ऑटोफोम के इंस्टॉल हुए हैं, रेड ब्लैक एंड वाइट के फिनिश में जो है। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग भी दिख जाएगी इसमें, और ये जो ओवरऑल कार है बहुत ही बढ़िया है, मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ पे आपको मैनुअल 6 स्पीड में मिलेगा। और जो अगर अपने बात कर रहे हैं इसके इंजन की, तो जो इसका इंजन है 2.184 लीटर का जो आपको इसका इंजन है वो मिल जाएगा, और इसकी जो टॉर्क जनरेट करता है 300 Nm की जो इसकी टॉर्क है वो जनरेट करता है ये। और अगर हम एक बार पीछे चल के भी बात कर लेते हैं कि इसमें जो पीछे वाला स्पेस है वो कैसा है, और इसमें जो पीछे वाली जो इसकी रो है वहाँ पर आ चुका हूँ, जैसे कहते हैं सारा कुछ कि बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बैठ तो सकते हैं, मतलब एक आधा जना और आ सकता है, पर फिर ये आएगा आपका लगेज नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको जो स्पीकर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे एक मिलेगी, दो यहाँ पे आपको जो ट्विटर टाइप मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक बड़ा वूफर मिल जाएगा। और अब मैं इसकी आपको साउंड क्वालिटी भी सुना देता हूँ, और फिर करते हैं वीडियो को एंड। करता हूँ साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।